दोस्तों सितंबर 2021 में नए एयर चीफ मार्शल की नियुक्ति होती है। सर वीआर चौधरी भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल बनते हैं। वो आते ही भारतीय वायुसेना की तमाम कमियों को एक सूत्र में बांधते हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। यानी जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, इन सबको लेकर अच्छी खासी योजना वो तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलग अलग समय पर कई सारे साक्षात्कार भी दिए, कई सारे इंटरव्यूज दिए अलग अलग मीडिया हाउसेस को अलग अलग प्रोग्राम के दौरान। बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि उन्होंने हमेशा ही भारत की एयरफोर्स की जो मूल आवश्यकता है आने वाले 15 सालों में 42 स्क्वाड्रन में फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या होना हमारे पास, इसके ऊपर बार बार जोर दिया। अभी 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट तो भारत की वायुसेना को चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हमें कुछ पुराने हो चुके फाइटर एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करना है, जो कि इसी टाइम पीरियड में करना है। कहने का मतलब केवल हमें एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने हैं, बल्कि और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने हैं, जो कि रिटायर हो गए हों उनकी जगह पर तैनात किए जा सकें। लेकिन अगर अभी भविष्य की तैयारी हमारी देखी जाए तो तेजस मार्क 1A के जो 83 की संख्या में ऑर्डर प्लेस किया गया है HAL को, उसके साथ साथ MRF है जो हमारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए प्रोग्राम होने वाला है, उसके अलावा कोई भी अन्य ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वो सीधे बात करते थे MCA के लिए, यानी उनका हमेशा ही ये कहना होता था कि 83 तेजस मार्क 1A के बाद में हम लोग सीधे बैकिंग करेंगे MCA प्रोजेक्ट को, और MCA प्रोजेक्ट की कुल 7 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के लिए फाइनलाइज की जाएगी MCA मार्क 1 के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ वो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो विदेशों से खरीदने हैं, जिसमें रफाल F4 के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसकी बात करते थे। हमेशा ही ये देखा गया है कि उन्होंने कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी स्पीच के दौरान तेजस मार्क 2 का नाम नहीं लिया, जबकि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर पहले ही इस बात को तय कर लिया गया था कि कम से कम 200 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी तेजस मार्क 2 कम से कम 200 की संख्या में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन चूंकि वो नाम नहीं लेते थे तेजस मार्क 2 का, इसी वजह से कुछ ऐसी खबरें फैल गई कि भारतीय वायुसेना अब तेजस मार्क 2 में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे बैकिंग नहीं करेगी। हालांकि इन सब का इम्पैक्ट किसी भी तरह से इसके डेवलपमेंट पर नहीं पड़ा, और लगातार बीच में खबरें निकल कर आई, हमने भी आपको समय समय पर सूचनाएं दी कि इसका काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। लेकिन दोस्तों फाइनली वीआर चौधरी सर ने तेजस मार्क 2 का नाम ले ही लिया। मैं आपको बता दूं कि भारत शक्ति प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो भारतीय वायुसेना की आने वाली समय में प्लानिंग बताई, उसमें उन्होंने ये कहा कि 83 तेजस मार्क 1 है, जिसके 83 का ऑर्डर दिया गया है, अगले साल से इनका इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी इनकी डिलीवरी HAL शुरू कर देगा, उसके बाद हम लोग बैक करेंगे MCA प्रोजेक्ट को। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि MCA प्रोजेक्ट और तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट, इन दोनों के बीच के समय को भरने के लिए हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को बैकअप करेंगे। यानी तेजस मार्क 2 अब ऑफिशियली हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। एक्चुअली इसको लेकर एक वीडियो मैंने पहले बनाया था एंड काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस रहा उसका। मैंने सर के कई अलग अलग इंटरव्यूज के आधार पर यह कहा कि शायद भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि तेजस मार्क 2 को इंडक्ट किया जाए। इसको लेकर भाई आप लोगों ने बहुत सुनाया, खैर मैं डिजर्व करता भी था, सुनाना चाहिए भी था, क्योंकि आप लोगों ने जो कहा एक्चुअली वैसा ही अब हो रहा है। भारतीय वायुसेना के चीफ ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी कुछ क्वांटिटी कम कर दी गई है। यानी जो पहले प्लानिंग की गई थी कि 200 की संख्या में ये भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, बताया जा रहा है कि अब इसकी तादाद आधी कर दी गई है, लगभग 100-125 की संख्या में इन्हें इंडक्ट किया जाएगा। वैसे खैर जो कुछ भी हो, घर की खेती है, अगर हम लोगों ने 125 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल कर दिए और आने वाले समय में हमें महसूस होता है कि इसकी और स्क्वाड्रन हमें चाहिए, जो कि ज़रूरी है, तो ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली हम लोग बड़ी आसानी से इसका और एडिशनल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ नई खबर निकल कर आई थी तेजस मार्क 2 को लेकर। यकीनन इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, हम सभी लोगों के सेंटीमेंट एक्चुअली जुड़े हुए हैं तेजस मार्क 2 को लेकर। तेजस मार्क 2 के बिना हम लोग हमारी एयरफोर्स को यकीनन नहीं देखते, देखना चाहते ही नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।